CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2। आइए सुनते हैं आरोह भाग 2 का दूसरा पाठ। कवि आलोक धनवा। पृष्ठ संख्या 9 से 14 तक। पृष्ठ संख्या 9। कवि परिचय। आलोक धनवा, जन्म सन 1948, मुंगेर, बिहार। प्रमुख रचनाएं। पहली कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्धि, दुनिया रोज बनती है, यह इनका एकमात्र संग्रह है। प्रमुख सम्मान राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं वहां मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। सातवें आठवें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जबानी याद रही हैं। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। इनकी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। सन 72 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 98 में प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। पृष्ठ संख्या 10। कविता परिचय। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं बाल मन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है तथा दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादो यानी अंधेरे के बाद के शरद यानी उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? पृष्ठ संख्या 11। कविता पतंग। पतंग। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए
और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जन से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पृष्ठ संख्या 12। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पृष्ठ संख्या 13। अभ्यास कविता के साथ। 1. सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। 2. सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। 3. बिंब स्पष्ट करें। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। 4. जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। 5. पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। 6. इन पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क. छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। ख. अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तारा, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। तारा, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है। तारा, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। पृष्ठ संख्या 14। कविता के आसपास। 1. आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, लिखिए। 2. रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है। 3. महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें यानी बच्चों को कैसे थाम लेती हैं, चर्चा करें। आपकी कविता। 1. हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों में तुलसी, जायसी, मतिराम, द्विजदेव, मैथिली शरण गुप्त आदि कवियों ने भी शरद ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। आप उन्हें तलाश कर कक्षा में सुनाएं और चर्चा करें कि पतंग कविता में शरद ऋतु वर्णन उनसे किस प्रकार भिन्न है। 2. आपके जीवन में शरद ऋतु क्या मायने रखती है। इसी के साथ आरोह भाग 2 का दूसरा पाठ यहाँ समाप्त हुआ। इसके बाद
पाठ 3 आता है। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।